हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने बात की कि हाउ टू चूज अ राइट करियर पाथ और उसकी प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ करियर काउंसलिंग। आज के सेशन में हम बात करेंगे अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट आप किस तरीके से एक सही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का चुनाव कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर टैलेंट, योर इंटरेस्ट एंड सर्टन पर्सनैलिटी ट्रेट्स। और इस बारे में हमें फर्दर गाइड करेंगे डॉक्टर चेतन रायकवार सर। वेलकम बैक टू द चैनल सर। थैंक यू सो मच। आज जो हम बेसिकली फोकस करना चाह रहे हैं वो इस चीज़ पे कि बच्चों में पोटेंशियल है, वो समझ रहे हैं कि उन्हें साइंस स्ट्रीम चाहिए, लेकिन अब बारी आती है सिलेक्शन की कि कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनके लिए करेक्ट है। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये कि पहले तो आप स्टूडेंट्स को बताएं कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ट्रेंडिंग है फिलहाल। बेसिकली PCM ग्रुप जो मैथमेटिक्स ग्रुप है उसके लिए IIT JEE की एग्जाम जो है वो सबसे पॉपुलर है। अगर हम PCB बायो ग्रुप में जाएंगे तो उसके लिए नीट की एग्जाम है जो MBBS की तरफ आगे ले जाती है। लास्ट 10 ईयर्स से दो और इम्पोर्टेंट एग्जाम है जो ट्रेंडिंग में आई, एक है IPMET और सेकेंड वन है जो लॉ के फील्ड में करियर बनाते हैं उनके लिए क्लैट की एग्जाम। इसके अलावा डिजाइनिंग के करियर के लिए नाटा या NID या NIFT की एग्जाम जो है वो भी न्यू ट्रेंडिंग में। और जो ये आपने लिस्ट बताई एग्जाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, ये सारी 12th के बाद अपीयर होने वाली है। जी बिल्कुल, मतलब 12th की एग्जाम की जब बोर्ड एग्जाम देंगे उसके साथ में आप इनके एग्जाम को दे सकते हैं। और इनकी प्रिपरेशन जो है वो नॉर्मली बच्चे 10th क्लास के बाद कुछ 11th और कुछ 12th में शुरू करते हैं। तो नॉट नेसेसरली कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको 10th क्लास से ही शुरुआत करनी होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये आपके पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका प्रिपरेशन जो है वो 11th 12th यानी कि 2 साल में कर रहे हो या आप सिर्फ 12th के साथ 1 साल में प्रिपरेशन कर रहे हैं। वेरी वेल सेड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी से रिलेटेड है कि जनरली ऐसा माना जाता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो 16 से 18 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी रखते हैं। इस बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। जी देखिए, बेसिकली ये जो 16 से 18 घंटे वाला पढ़ने वाला ट्रेंड है ये UPSC के एग्जाम से आया हुआ है। बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आफ्टर 10th आती हैं तो उनके लिए आप 3 आवर्स से लेकर 12 आवर्स के बीच में पढ़ाई करके भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करेगा बच्चे के पोटेंशियल के ऊपर कि कुछ बच्चे जो है वो 3 आवर्स पढ़ के भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल रहे हैं और कुछ 12 आवर्स पढ़ने के बाद भी उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को नहीं निकाल पा रहे हैं। और ये फाइंड आउट करने का क्या तरीका है कि किस बच्चे का कितना पोटेंशियल है या उसका लर्निंग पैटर्न क्या है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? अगेन कुछ साइकोमेट्रिक और कुछ बायोमेट्रिक टेस्टिंग है जिनसे हम स्पेशली कॉम्पिटिटिव टैलेंट उनके अंदर कितना है वो हम पता कर सकते हैं। जैसे अगर आप IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो लॉजिकल जो आपका स्किल है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट तो लॉजिकल के संग आपका लिंग्विस्टिक टैलेंट भी रिक्वायर्ड होता है। अगर आप IPM के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लॉजिकल लैंग्वेज के संग रैशनल थिंकिंग ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बॉडी फंक्शनिंग, आप लेफ्ट ब्रेनी है राइट ब्रेनी है, प्रॉपर लर्निंग स्टाइल कि आप विजुअल से ज्यादा अच्छा सीखते हैं या फिर ऑडिटरी से या फिर काइनेस्थेटिक से, ऐसे कई पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में अगर स्टूडेंट पता कर ले एक राइट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत एक राइट समय पर की जा सकती है। तो ये राइट समय क्या होता है, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ जनरली पेरेंट्स में, आजकल पेरेंट्स में कॉम्पिटिशन चला हुआ है कि हम जितना जल्दी बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराना स्टार्ट करेंगे उसका सक्सेस रेट इन दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम ज्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द राइट एज टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम? देखिए, राइट एज अगर हम देखें, जैसे कि गवर्नमेंट ने भी अभी कई न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आए हैं तो 9th and 10th इज द राइट क्लास जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बट अगर हमको ये पता करना है छोटी क्लासेस में यानी कि 6th 7th 8th क्लास में कि हमारा बच्चा कौन सी स्ट्रीम में जा सकता है तो उसके लिए आप प्रॉपर करियर काउंसलिंग असेसमेंट यूज करके उसका करियर पता कर सकते हैं और उस करियर में जाने के लिए कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए आप तैयारी करा सकते हैं। लेकिन वो तैयारी जरूरी नहीं कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग के साथ कराएं, आप उसको सेल्फ प्रिपरेशन घर पे भी कर सकते हैं। और जब उसकी एक राइट एज आएगी या तो क्लास 9th में या 10th में तब आप उसको अपना प्रिपरेशन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वो शुरू करा सकते हैं। तो बेसिकली जो आप अभी बता रहे थे कि जो छोटी एज में हम असेसमेंट लेके करियर काउंसलिंग लेके बच्चे का एक इंटरेस्ट जान लें और उस हिसाब से उसे नर्चर करना शुरू करें और फिर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बारी आए तो वो 11th 12th में अपने
जो बेसिक उसके सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे. बिल्कुल राइट. तो मैं इसी टॉपिक को थोड़ा और एक्सटेंड करके आपसे जानना चाहूंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिशन काउंसलिंग एंड करियर काउंसलिंग, क्योंकि जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं बेसिकली, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमें जल्दी पता तो चल जाए कि बच्चा किस चीज के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहा है, हम उसको नर्चर कर सके एंड लेटर ऑन हम उसे एडमिशन के लिए भी काउंसिल कर सके. जी, तो इस चीज में, इस चीज का कनेक्टिंग लिंक आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए. देखिए, बहुत ही अलार्मिंग क्वेश्चन पूछा है आपने कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करियर काउंसलिंग एंड एडमिशन काउंसलिंग, क्योंकि इसका जो जवाब है वो कई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो उनके लिए मतलब ठीक नहीं रहेगा. तो बेसिकली अगर डिफरेंस देखें तो करियर काउंसलिंग इज अबाउट कि बच्चे के अंदर क्या पोटेंशियल है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या प्रिपरेशन कर सकता है, कौन सी कॉम्पिटेटिव की प्रिपरेशन कर सकता है, क्या सब्जेक्ट ले सकता है, कौन से कोर्स में पढ़ सकता है. लेकिन जब हम एडमिशन काउंसलिंग की बात करते हैं तो बहुत सिंपल मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल कि अगर आपका आईआईटी का इंस्टीट्यूट है या नीट का इंस्टीट्यूट है और कोई बच्चा अगर आपसे आके बोलता है कि मुझे तो सीए करना है, तो आप उसको सीए से कहीं ना कहीं मोल्ड करके और उसको आईटीजी या नीट पर लेकर आएंगे. ये बहुत सिंपल है कि आपके पास जो कोर्सेस अवेलेबल हैं, अगर आप सिर्फ उसी के लिए बच्चे की काउंसलिंग कर रहे हैं तो ये सिर्फ एडमिशन काउंसलिंग काउंट होती है, ये करियर काउंसलिंग नहीं है. अगर आप राइट करियर काउंसलिंग चाहते हैं तो एक बायस्ड काउंसलिंग के साथ ना जाएं, अनबायस्ड काउंसलिंग के साथ अपना करियर काउंसलिंग कराएं और उसके बाद फिर एडमिशन काउंसलिंग की तरफ जाएं. स्टेप वन इज करियर काउंसलिंग, स्टेप टू इज एडमिशन काउंसलिंग. एक बार आप अगर कंफर्म हो जाते हैं कि मेरा पोटेंशियल आईआईटी जेई का है या फिर नीट का है या फिर आईपीएम का है या फिर क्लैट का है, उसके लिए फिर आप एडमिशन काउंसलिंग सर्च करें डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, वो बिल्कुल भी गलत बात नहीं है. लेकिन अपना पोटेंशियल जाने बिना किसी इंस्टीट्यूट में पहुंच जाना और फिर ये सवाल करना कि मुझे क्लैट की तैयारी करना, इज आई एम फिट, तो नो डाउट कि आपको जवाब जो है यस ही मिलने वाला है. तो ऑफ कोर्स बेसिकली ये बहुत सारी करियर काउंसलिंग बेसिकली बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है इन जनरल. तो मैं स्टूडेंट से अपने ये बताना चाहूंगी कि मान लीजिए आपका किसी एक चीज में पोटेंशियल है, मान लीजिए आप ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन नीट की कर सकते हैं बट आप सीए में एडमिशन ले लेते हैं. अब इससे प्रॉब्लम क्या जनरेट होती है कि इवन दिस इज फॉर इंस्टीट्यूट्स एज वेल, कि आपका जो रिजल्ट है वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा है और फिर आपको उस चीज में प्रॉब्लम आ रही है कि ये हमने गलत चीज चूज कर ली. तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप उस चीज में एडमिशन लेने से पहले अपने पोटेंशियल को जाने और सही टाइम पे करियर काउंसलिंग स्टार्ट करें. बिल्कुल सही. और इवन इसमें तो मैं इंस्टीट्यूट को भी ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप भी अपने यहाँ पर एक असेसमेंट प्रोसेस शुरू करें. अगर आप आईटीजी या नीट के इंस्टीट्यूट हैं तो असेसमेंट कीजिए और पता कीजिए कि बच्चे के अंदर इंजीनियर या डॉक्टर बनने वाली क्वालिटीज है या नहीं. बिकॉज यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आईटीजी या नीट की पढ़ाई करना ये एक अलग पोटेंशियल सेट है. इसके बाद जो कोर्स का पढ़ना है बच्चे को, डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस का जो पढ़ना है या इंजीनियरिंग का जो पढ़ना है, वो एक अलग पूरा पोटेंशियल सेट है. और इसकी जो जॉब करना है वो एक तीसरा पोटेंशियल सेट है. तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना निकाल पाए लेकिन वो एक अच्छा इंजीनियर और एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल पाना ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उस करियर में आगे बढ़ नहीं सकते या उस करियर में आप फेलियर हो चुके हैं. अगर आपके अंदर डॉक्टर या इंजीनियर बनने का पोटेंशियल है, हो सकता है कि आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करने का पोटेंशियल ना हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके लिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फेलियर हो रहे हैं तो एक प्रॉपर काउंसलिंग से पता कीजिए कि उसके कोर्स करने के लिए आप केपेबल है या नहीं. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट आईटी जेई और नीट एग्जाम, जैसे कि सर ने बताया कि कुछ और एग्जाम्स भी, कुछ और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी हैं. तो दिस इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो आप हो सकता है ग्रेजुएशन के बाद भी जब फेस करें. तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करने के लिए डिफरेंट सेट ऑफ स्किल इज रिक्वायर्ड. तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिलेक्ट करने के पहले, चाहे वो 12th क्लास के बाद हो या ग्रेजुएशन के बाद हो, हमें दिमाग में क्या क्या पॉइंट्स रखने चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग एनी स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ओके, सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद जो एंड रिजल्ट मिलने वाला है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो बहुत सारे बच्चे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं. उसका एंड रिजल्ट सभी को पता है कि आईएएस, आईपीएस और दूसरे ऑफिसर वहां पर हम बनते हैं. लेकिन उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप कैसा पूरा करेंगे, वो सब जानना भी बहुत जरूरी होता है. इसके अलावा कैसा एग्जाम का पैटर्न है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है. कई बच्चे हैं जिनके माइंड में बहुत कुछ होता है
थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी है बट उनकी बॉडी एग्जाम में लिखने में सपोर्ट नहीं करती है. करेक्ट. तो यहाँ पर ऐसे अलग अलग पॉइंट्स हैं कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, और उससे भी इम्पोर्टेंट कि आपका पोटेंशियल जो है वो किस फील्ड में है, लॉजिकल है या लिंग्विस्टिक है. हर एक चीज जो है वो आपको जानना जो है बहुत जरूरी है. और आई थिंक ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हर ही स्टेप पे जानना जरूरी है. आफ्टर 10th क्लास, आफ्टर 12th क्लास, मे बी आफ्टर ग्रेजुएशन, मे बी समटाइम्स ड्यूरिंग योर जॉब. तो ये जो हम करियर काउंसलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि इट्स नॉट कंस्ट्रेंड टू ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. जैसा कि सर ने बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के बाद भी आपको 4 साल एक कोर्स में एक पूरा कह सकते हैं सिलेबस पढ़ना है जी. उसके बाद आपको फर्दर उसमें जॉब करनी है जी. तो आप वो जॉब का प्रेशर ले सकते हैं कि नहीं, वो सारे भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. करियर काउंसलिंग जो एक करियर के अलावा जो बिहेवियर के पॉइंट्स कवर करता है, जैसे कि आपका डिसीजन मेकिंग कैसा है, आपका प्रेशर टेकिंग कैपेसिटी कैसा है, मोटिवेशन लेवल, आपके स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस क्या है, जो कि बिहेवियर का पार्ट है. तो कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं IQ के लेवल से और एग्जाम देते हैं हम इमोशनल क्वेश्चन EQ और एडवर्सिटी क्वेश्चन AQ के साथ. राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत कुछ आता है एंड ड्यू टू एंजाइटी वो एग्जाम में परफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं. एक ये प्रेशर बहुत मतलब बच्चों में देखा गया है कि वो प्रिपरेशन पूरा 2 साल कर रहे हैं जी. और जब वो एग्जाम में बैठ रहे हैं तो बिकॉज ऑफ सम एंजाइटी एंड प्रेशर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे. और इस बिहेवियर को ठीक करने के लिए आपके पास कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस हैं, आपके पास कुछ ऐसे अनुलोम विलोलोम ऐसे कई प्राणायाम हैं जिनको करके आप ये सारी एंजाइटी एग्जाम टाइम पे दूर कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए पहले आपको सेल्फ एनालिसिस करना होगा कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस है. और आई थिंक ये जितनी भी सेल्फ एनालिसिस वाली चीजें हैं ये मुझे लगता है किसी दूसरे से इंस्पायर्ड नहीं होनी चाहिए कि हमारे किसी सिबलिंग ने 40 लाख का पैकेज क्रैक किया है तो हमारे लिए भी वो चीज़ वर्कआउट करेगी. अब ये जो मैंने मतलब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, मुझे एक और बहुत क्यूरियोसिटी है जानने की कि क्या सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही अल्टीमेट गोल होना चाहिए या हमारे पास और भी चीज़ें हैं टू शेप आर करियर इन अ बेटर मैनर. ओके, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20% जो प्रोफेशन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो एंट्री लेकर जो कॉलेजेस मिलते हैं उनसे पास हुए बच्चों के बन रहे हैं. लेकिन बाकी का जो इंडिया, जो 80% इंडिया है वो बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले कॉलेज में पढ़ता है. और जहां तक करियर का सवाल है तो आप जो वीडियो देख रहे हैं पेरेंट्स, शायद हम लोग भी IIT या मेडिकल के जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं या IIMs हैं उनसे हम लोग पास आउट नहीं है, लेकिन हमने भी अपने करियर में एक अच्छी खासी ग्रोथ अचीव कर ही ली है. तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट नो डाउट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको स्टार्ट देने में. Correct. लेकिन अगर आपको स्टार्ट नहीं भी मिल रही है तो भी हम अपने पोटेंशियल और स्किल के साथ लाइफ में बहुत कुछ बेहतर जो है वो कर ही लेंगे. और मैं इस चीज से एक और चीज एक्नॉलेज करना चाहूंगी. रिसेंटली न्यूज में एक इंडिविजुअल का नाम आया था कि ही वॉज प्लेस्ड इन द बेस्ट कंपनी और फिर भी वो वहां का प्रेशर नहीं ले पाए एंड ही टुक अ वेरी रॉन्ग स्टेप. तो कहीं ना कहीं ऑफकोर्स अच्छे इंस्टीट्यूट्स का रोल है बट आई वुड से कि एक लिमिटेड रोल है. अल्टीमेटली जब आप वर्क कल्चर में जाते हैं, जब आप ग्राउंड वर्क करते हैं तो समटाइम्स इट्स ऑल अबाउट योर ओन पोटेंशियल कि आप कितना प्रेशर ले पा रहे हैं, आप कितना अच्छा डिसीजन ले पा रहे हैं. तो वो थोड़ा एक इंडिविजुअल लेवल पे भी इम्पॉर्टेंट है और वो सारी चीजें आप असेस कर सकते हैं विद द टेस्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि सेल्फ असेसमेंट, साइकोमेट्रिक एनालिसिस, ये सारे डेटा बेस्ड चीजें हैं जो जिनकी एक्यूरेसी मेरे हिसाब से बहुत हाई होगी. तो थोड़ा सा उस बारे में भी सर बताइए कि ये जो टेस्ट है ये कितने एक्यूरेट है और क्यों कन्वेंशनल मेथड्स इनके आगे थोड़े से कम हमें सक्सेस रेट दे रहे हैं. ओके, देखिए कन्वेंशनल मेथड जो है नॉर्मली जैसे कि अगर पेरेंट्स का सजेशन, टीचर्स का सजेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जब असेसमेंट की बात करें तो उसमें भी एक्यूरेसी डिफर करती बिकॉज किस मूड से बच्चा साइकोमेट्रिक टेस्ट दे रहा है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब इसमें अलग अलग टेस्टिंग है. फॉर एग्जांपल एक DMIT टेस्टिंग है जो सिर्फ फिंगरप्रिंट के स्कैनिंग और उसके एनालिसिस से होती है, उसमें बच्चे का मूड का कोई लेना देना नहीं है, उसकी एक्यूरेसी हाई होती है. साइकोमेट्रिक टेस्ट अगर बच्चे ने बहुत प्रॉपर दिया है तो उसकी एक्यूरेसी भी हाई हो जाती है. बट अगर उसका मूड खराब है और वो साइकोमेट्रिक टेस्ट दे रहा है, क्योंकि साइकोमेट्रिक टेस्ट में देयर इज वन क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन होते हैं, उसको समझ में नहीं भी आ रहा है तो एक ऑप्शन तो वो टिक करेगा, सेम इज कौन बनेगा करोड़पति.
तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि उसकी एक्यूरेसी डिपेंड करेगी कि बच्चा टेस्ट कौन सा दे रहा है और वो किस मूड से दे रहा है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी की बात करें तो उसकी एक्यूरेसी साइकोमेट्रिक टेस्टिंग की एक्यूरेसी जो वो हाई रहेगी अगर बच्चा प्रॉपर टेस्टिंग देगा तो। इसके अलावा और भी दूसरे टेस्ट अवेलेबल हैं, वो आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा स्टूडेंट्स कि करियर काउंसलिंग जो है वो ऑफ कोर्स 10th के बाद तो रिक्वायर्ड है ही, बट इसके अलावा आप 12th के बाद भी, इवन आफ्टर ग्रेजुएशन भी करियर काउंसलिंग को ऑप्ट कर सकते हैं। और ये सारे एनालिटिकल टेस्ट आपको हेल्प करेंगे टू शेप योर करियर इन अ बेटर मैनर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।